जनपद मैनपुरी के थाना कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी स्थित एक प्रसूता की मौत हो गई। मृतका का नाम आकांक्षा बताया जा रहा है। मृतका आकांक्षा के परिजनों ने आरोप लगाया कि प्रसव पीड़ा के चलते आकांक्षा को उत्तम नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन से आकांक्षा ने बेटी को जन्म दिया। उनके बाद से ही आकांक्षा की तबीयत खराब होती गई। नर्सिंग होम में मौजूद डॉक्टर और स्टाफ ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। कई बार कहने पर भी आकांक्षा को किसी डॉक्टर या स्टाफ ने नहीं देखा। मृतक आकांक्षा के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ऋतु गुप्ता ने आकांक्षा की तबीयत ज्यादा खराब होने पर कहा कि दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। परिजनों ने कारण पूछने पर डॉक्टर ऋतु गुप्ता ने कहा कि गलती हो गई है, इसलिए दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। परिजनों के मना करने पर बिना बताए आकांक्षा को जबरन एम्बुलेंस में रख दिया। तब तक एक आकांक्षा की मौत हो चुकी थी। सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने मृतका आकांक्षा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका आकांक्षा के पति अनिल कुमार आर्मी में हैं और वह सियाचिन में तैनात हैं। मृतक के परिजनों की तरफ से पुलिस को लिखित तहरीर दी गई है। क्या हुआ? ऑपरेशन के लिए लाए थे हम, इनने ऑपरेशन शाम को किया, पानी छूट रहा था बच्चा दानी से, तो जल्दी पड़ गई 4 बजे 3:30 बजे। कब एडमिट किया था यहाँ? कल एडमिट किया। हम अकेले अपनी बेटी लेके पैदल लेके आए हंस नगर से, हंसकुटी पास किराए पर रह रहे थे, तो बिटिया को एडमिट किया। माता जी साथ कौन है? कोई नहीं, अकेले में दमान से बात कराई मैंने, उनने कही कर लो ऑपरेशन हो तब, मतलब आपकी जिम्मेदारी, इनने कही हाँ जिम्मेदारी। पैसे मैंने जमा किए 25,000, बढ़िया अंदर सब कुछ। मौत कैसे हुई आप ये बताओ? दोबारा ऑपरेशन कर दिया, रात भर बिटिया चिल्लानी, ऑपरेशन में तो वो बेहोश हो जाती है ना लेडी, लेकिन बिटिया पूरी रात चिल्लानी, रात का स्टाफ खराब, सबको 500 रुपए दिए, हार न्योरे करे हमने, हमारा दमान नहीं है, और बच्ची को भी लिए उनके पापा, और हम पापा बिटिया ले रहे, हम बिटिया अपनी संभाले, हमारे दमान ने कही इनको पैसे दे काम कराओ। डॉक्टर से आपने बात की? डॉक्टर ने क्या कहा? ऋतु गुप्ता ने कही माता जी खून चाहिए सुबह, तो हमने छोटा भाई पप्पू के दमान शैलेंद्र पंकज उनने खून दिया, तीसरा खून फिर मांगा, फिर हमने अपने भतीजा कौशल फरुखाबाद बिजली विभाग सर्विस कर तो वहाँ में बुलाओ, मान कि हम पहुँच रहे अभी, और इनने कही कि माता जी दोबारा ऑपरेशन होगा, हम क्यों दोबारा नहीं करवाएंगे, क्यों हमसे भूल हो गई, किसी को बताना नहीं आपके साथ आदमी। ये डॉक्टर ने कहा कि हमसे भूल हो गई? गुप्ता ने हमसे बोला मेरी बिटिया को दोबारा।